आज का प्रेरणा पाते सदगुरु से सत्य प्रकाश। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जावे, हमको ज्ञानी पुरुष मिल जावे, तो हमको हमारे आत्मा का प्रकाश मिल जाता है। तो देखिए कि सदगुरु या ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, वो हमको आत्मा का ज्ञान देते हैं और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। अज्ञान एक अंधकार है और जो ज्ञान है वो उसको दीपक की उपमा दी गई है कि ज्ञान दीपक के समान होता है, स्व पर प्रकाशक होता है, घना तिमिर हो और उसके अंदर हमने एक दीपक जला दिया तो सारे तिमिर को वो हटा देता है। इसीलिए वो तिमिर हटता कहाँ से है, गुरु या ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। सदगुरु ज्ञानी पुरुष है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। और जब अज्ञान दूर होता है, ज्ञान मिलता है, तो हमारी आत्मा के अंदर एक प्रकाश होता है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है और वो अज्ञान से आवृत है। सदगुरु या ज्ञानी पुरुष है वो अज्ञान का पर्दा हटाते हैं, वो हमारी अनंतानुमंदी कसाय जो दर्शन मोहनीय है उसका नाश करता है, उसको भस्मीभूत करता है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और हमें उस प्रकाश से, उस ज्ञान से धीरे धीरे हमारे जो कर्म जो है जन्म जन्मांतर के बर्फ की शिला की तरह जो पिघल जो बंधे हुए हैं वो धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह पिघलते पिघलते हमारा कॉजल बॉडी शून्य हो जाता है और उस ज्ञान से हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं।